सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कुछ भी होता है डे टू डे लाइफ में तो हम सामने वाले को मना नहीं कर पाते, जैसे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो हमें पता है कि सबका क्या हाँ या ना होना है, पर मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी, तो किसी को नहीं कैसे बोले कि उसको बुरा भी ना लगे और नहीं भी हो जाए, मतलब नो नहीं कहना आता? नहीं मतलब अगर आपको इंग्लिश में बोले तो आप नो कह सकते हैं और हिंदी में नहीं। नहीं मतलब ऐसे होता है ना कि वो हमें जज करते हैं कि ये तो मतलब जैसे हमारे टाइप की नहीं है या फिर पैसे नहीं खर्चती या कुछ भी ऐसा कोई भी चीज़। हाँ। हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं कि वो क्या सोचेंगे, हम अपना नहीं चल पाते इसलिए उन्हें मना नहीं कर पाते। तो क्यों तो चलते हो दूसरों के हिसाब से क्यों? सर फिर वो दोस्ती तोड़ देंगे। तोड़ दे दो। नहीं ऐसे कौन दोस्ती तोड़ता है, मतलब दोस्ती तोड़ देंगे वो? ऐसे होता है ना कि वो जज करते हैं कि तो हमेशा ही नहीं चलती है या फिर इसको इसके पास बजट नहीं है या कुछ भी कोई भी कितना भी जिसके उसके हिसाब से जो वो माइंडसेट रखते हैं वो जज कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि अब अगर कुछ ऐसा होता है बिकॉज ऑफ फ्रेंड सर्कल, बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स, कई बार रिलेटिव्स में भी ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ पे हमारा जाने का मन नहीं होता है, फ्रेंड्स में भी ऐसा हो जाता है कई बार अंडियो हमारे ऊपर पीयर प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो ध्यान से समझना, हर एक की अपनी अपनी एक इमेज होती है जो बन जाती है टाइम के साथ साथ। आप अपने ऊपर रख करके देखो, आपके जो फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं उन सबकी अपनी कोई ना कोई इमेज नहीं बनी हुई आप सबके माइंड में कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही मुंहफट, कि ये तो बेवकूफ है, इससे तो हम अपनी बात बड़े आराम से मनवा सकते हैं, ये है ये नहीं मानता किसी की भी, ये नहीं मानने वाली, ऐसी होती है इमेजेस हमारे माइंड में? नहीं होती है। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको अपनी कैसी इमेज बनानी है। जो बेस्ट इमेज है आपके लिए भी और औरों के लिए भी वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, पोलाइटली, मतलब बदतमीजी से नहीं, कि नहीं जाती जो कर सकता है कर ले, तोड़नी है तो उसी तोड़ दे, पहाड़ में जा, साथ में दो चार गालियां भी लगा दी, वो सब नहीं है ना। तो बड़े पोलाइटली आराम से अगर आप जो आपके मन में है जो सच है अगर ऑनेस्टली आप सामने वाले को बोलते हो तो हो सकता है एक बार बुरा लगेगा, हो सकता है दो बार बुरा लगेगा, धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी। और लॉन्ग टर्म में ऐसे बंदों का बड़ा फायदा होता है क्योंकि आप कुछ भी बोल सकते हो, आप समझ गए, बिकॉज अगर आप अंदर कुछ और सोच रहे हो, अंदर हम कुछ और बोल रहे हैं अपने आप को कि नहीं 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 नहीं, बाहर से हाँ बोल रहे हैं, तो हम हमेशा फंसे ही रहेंगे। और होगा क्या ऐसे बंदों के साथ में, एक और गड़बड़ क्या होती है कि हम अपने डिसीजन पे भी स्टिक नहीं रह पाते हैं, कि आप अभी तो हाँ बोल दोगे फिर थोड़ी देर बाद सोचोगे नहीं 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 नहीं, है ना, आज हाँ बोल दोगे कल ना बोल दोगे, तो ऐसे बंदों की दोस्ती भी ज्यादा लंबी नहीं चलती है क्योंकि सबको पता होता है ये तो नकली है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो भरोसा किस पे कर सकते हैं, जो हाँ तो हाँ ना तो ना। तो मैं आपको नहीं बता रहा कि आप अपनी लाइफ को कैसे जियो, मैं बस ये बता रहा हूं कि मैं कैसे जीता हूं, कि मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं जो भी हैं मेरे आसपास में, मेरे मन में जो होता है मैं एज इट इज उनको बोल देता हूं पोलाइटली। हाँ मन में कुछ बहुत ही भाईयात होता है तो चुप रहता हूं, कई बार चुप रहना बेटर होता है, लेकिन हाँ ना बिल्कुल क्लियर होता है, अंदर से हाँ है तो बाहर से हाँ है, और एक बार हाँ बोल दिया तो देन आई एम स्टिकिंग टू इट, क्योंकि अंदर भी हाँ है बाहर भी हाँ है, ठीक है ना, और अगर ना है तो ना है। अब उसके बाद में वो कुछ भी बोलते रहे, कितना भी इमोशनल अत्याचार करें, कितना भी बड़बड़ करें, ना है तो ना है, सो दिस मस्ट बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में आपको दिक्कत आएगी ऐसे चल करके, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है अगर इस तरह से चलते हैं। मिल गया आपको आंसर? अरे थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर।